जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और एमएस एक्सेल की इस क्लास में आज हम लोग सीखने वाले स्टूडेंट मार्कशीट क्रिएट करना। देखिए, सबसे पहले कि अगर हम स्टूडेंट मार्कशीट के बारे में बात करें तो इसमें कौन कौन से फार्मूले को हम लोग सॉल्व करेंगे और प्लस स्टूडेंट मार्कशीट एमएस एक्सेल में हम कैसे बनाते हैं, वही आज की क्लास में सीखना है और जानना। देखिए, जैसे कि यहाँ पे मैंने हेडिंग भी लिखा हुआ है, यहाँ पे मैंने सीरियल नंबर लिखा है, फिर स्टूडेंट नेम है, और यहाँ पे हिंदी से लेकर के और पूरा मैंने ड्राइंग तक सब्जेक्टों का नाम भी मैंने मेंशन किया है। तो जैसे कि इंटरमीडिएट की क्लास में आपने देखा होगा कि टोटल नंबर वहां पे मेंशन करके दिखाया गया होता है मार्कशीट पे, लेकिन हाई स्कूल का क्या होता है, उसमें आपको निकालना पड़ता है, उसमें आपको जोड़ना पड़ता है। तो ये एक प्रकार के हम हाई स्कूल का ही मार्कशीट बना रहे हैं, क्योंकि हाई स्कूल में टोटल सब्जेक्टों की संख्या कितना होता है, 6 होता है। तो यहाँ पे 6 सब्जेक्ट मैंने मेंशन किया हुआ है। तो जैसे कि यहाँ पे इतने सारे स्टूडेंटों का मैंने नाम भी लिखा हुआ है, ये सीरियल नंबर और नाम आप टाइप कर लीजिएगा। इसके बाद से यहाँ पे रैंडम नंबर आपको देना है। इसके लिए एक फार्मूला आता है, सबसे पहले इक्वल करिएगा और यहाँ पे आपको टाइप करना होता है रैंड बिटवीन, एक रैंड बिटवीन की फार्मूला आती है। और यहाँ पे मिनिमम नंबर मैंने दे दिया 34 और मैक्सिमम नंबर मैंने दे दिया 70, यानी कि किसी भी स्टूडेंट का नंबर 34 से कम नहीं होना चाहिए और 70 से अबव नहीं होना चाहिए। जैसे उसमें भी तो नंबर होता है, जो नंबर उसमें दिया जाता है, और मान के चले कि ज्यादा से ज्यादा नंबर हम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन पूर्णांक से कम ही रहता है ना, समझ में आ रहा है ना। तो इसके लिए हमको नंबर यहाँ पे देना, यानी कि किसी भी स्टूडेंट का मिनिमम नंबर 34 होना चाहिए और मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 70 होना चाहिए, और इसी के बीच का नंबर हमको चाहिए। तो ये रेंड बिटवीन की फार्मूला लगा करके और जब नंबर यहाँ पे टाइप करेंगे, अभी लिखिए मत, जब मैं पढ़ाऊं तो आप लोग कलम मत चलाइए, मैं सारा लिखवाऊंगा। जब मैं पढ़ा लूं, जब एंड करूं क्लास, तब जाकर के हम फार्मूला लिखवाएंगे। अभी स्टार्टिंग में लिखने लगेंगे तो फिर समझेंगे कैसे। ये पूरा फार्मूला मैं पढ़ाते जाऊं, आप लिखते जाइए, क्या मतलब है समझने का। जब लिखने के लिए बोल रहे थे तब मोबाइल से फोटो खींच रहे थे आप लोग। तो यहाँ पे सबसे पहले इक्वल रेंड बिटवीन टाइप करना है, ब्रेकेट ओपन करना है, और यहाँ पे मिनिमम नंबर पहले लिखेंगे और मैक्सिमम नंबर बाद में लिखेंगे। आप इंटर करेंगे तो इनके बीच का नंबर यहाँ पे आ जाएगा, देखिए समझ में आ रहा है ना। अब एक नंबर अगर आपको मिल गया तो आप इसी पे क्लिक करिएगा, यहाँ पे माउस के माउस का लेफ्ट बटन दबाएंगे, यहाँ पे पतला प्लस बनेगा, ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लीजिएगा, पूरा पूरा यहाँ तक ड्रैग एंड ड्रॉप कर लीजिएगा। देखिए, अब फिर ऐसे ही ऐसे राइट साइड की तरफ ऐसे मूव करा लीजिए। अब जैसे कि मान के चलिए ये नंबर मैंने लिखा हुआ है, तो ये नंबर चूंकि आप अपने हिसाब से भरेंगे, उसमें आपको डेटाबेस मिलेगा कि स्टूडेंट ने कितना नंबर पाया, पर यदि आपको रैंडम नंबर लाना हो तो रैंडम नंबर लाने का ये फार्मूला होता है, इक्वल रैंड बिटवीन के माध्यम से हम रैंडम नंबर ला सकते हैं। लेकिन क्या अगर स्टूडेंट ने अगर 64 नंबर पाया है तो 54 हम उसका नहीं रखेंगे। तो हमारे पास जब एक डेटा मिलेगा उसके हिसाब से हम फाइनली यहाँ पे भरने का प्रयास करेंगे, लेकिन अगर हमारे पास कोई डेटा नहीं है तो रेंड बिटवीन के माध्यम से ऐसे नंबर आप ला सकते हैं। पर इसमें एक ड्रॉबैक ये है कि ये डेटा आपका फिक्स नहीं होता है, अगर आप कहीं पर भी कुछ लिखेंगे या कहीं पर भी क्लिक करेंगे तो ये नंबर आपका चेंज होता जाता है। देखिए, चेंज हो रहा है नंबर, क्योंकि ये डेटा आपका फिक्स नहीं है, ये फिक्स नहीं है कि स्टूडेंट ने 49 ही नंबर पाया होगा, तो इस डेटा को फिक्स भी करना पड़ता है। तो डेटा को फिक्स करने के लिए आपको करना क्या है, देखिए सबसे पहले इस पूरे नंबर को आप एक साथ क्या करिएगा, सेलेक्ट करिएगा, और सिलेक्शन करने के बाद इसी पे आपको माउस का राइट बटन दबाना है और यहाँ पे इस डेटा को आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद पुनः इसी डेटा पे आपको माउस का राइट बटन दबाना है और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा पेस्ट स्पेशल, सबको दिख रहा है ना, बस इसी पे जस्ट क्लिक करना और यहाँ पे आपको ले लेना है वैल्यू, क्या लेना है वैल्यू। अब यहाँ पे आप ओके करिएगा। अब इससे फायदा क्या होगा, तो कहीं पर भी क्लिक करेंगे तो ये नंबर आपका चेंज नहीं होगा, ये नंबर मैंने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, यहां तक किसी को कोई दिक्कत। अब चलिए, अब आपसे ये कहा जाए कि जैसे कि राजन ने टोटल कितना नंबर पाया या प्रशांत ने टोटल कितना नंबर पाया, या जो भी स्टूडेंटों का नंबर है उसको हम कैसे जोड़ करके देखेंगे, तो जोड़ने का कई सारा फार्मूला होता है। पहले
पहला फार्मूला है इक्वल करिएगा और यहाँ पे आपको टाइप करना है सम और ब्रेकेट यहाँ से ओपन करिएगा। आप यहाँ पे पूरे नंबर को हम क्या करेंगे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम ब्रेकेट को क्लोज करके क्या करेंगे इंटर करेंगे तो भी हमारे सामने रिजल्ट आ जाएगा। और आपको ये पता है कि अगर एक्सेल में आप एक डेटा फाइंड आउट कर लिए, अगर एक डेटा का रिजल्ट आ गया तो बस यहाँ पे पतला प्लस बनेगा, दो बार माउस का लेफ्ट बटन दबाइए, ये पूरा डेटा ऑटोमेटिक फाइंड आउट हो जाता है। मतलब कि मात्र आपको एक ही स्टूडेंट का निकालना है, बाकी स्टूडेंट का आसानी तरीके से बस ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी आप निकाल सकते हैं। अब चलिए दूसरा ये तरीका है, ये तो पहला तरीका था और दूसरा ये तरीका है, आप यहाँ पे अल्ट के साथ इक्वल टू बटन दबा दीजिए तो भी ये डेटा आपको जोड़ करके दिखा देगा, सही है कि गलत है। और तीसरा ये तरीका है, आप यहाँ पे क्या करिएगा कि सबसे पहले इक्वल लिखिएगा और यहाँ पे बारी बारी से पूरे नंबर को सिलेक्शन करते जाइए। स्पेस दे करके सिलेक्शन करना है, यहाँ पे इक्वल लिखना है और यहाँ पे पूरे नंबर को यहाँ पे सिलेक्शन कर लेना है, पूरा प्लस लगा करके पूरे नंबर को सिलेक्शन करते जाइए और लास्ट में जैसे ही आप इंटर करेंगे तो भी जोड़ करके बता देंगे, हो जाएगा ना। लेकिन एक और तरीका है, देखिए सबसे पहले यहाँ पे आइएगा या पूरे नंबर को आप सिलेक्शन करिएगा और अल्ट के साथ इक्वल टू बटन दबा दीजिए तो भी रिजल्ट आ जाएगा। क्या तरीका मैंने बताया। और एक लास्ट ऑप्शन आपको मैं बताऊं, अगर एक और तरीके से आप जोड़ना चाहते हैं, सबसे पहले यहाँ पे आइएगा और यहाँ पे आप आइएगा, यहाँ पे एक ऑटो सम का ऑप्शन आपको मिलेगा, यहाँ से सम का ऑप्शन दिया हुआ, यहाँ से भी आप जोड़ करके इसका रिजल्ट आप ले सकते हैं। तो इतना तरीका है जिसके माध्यम से आप आसानी तरीके से डेटा को रिजल्ट मतलब की जोड़ सकते हैं। अब यहाँ पे एक और भी तरीका है, जैसे देखिए यहाँ पे D9 से I9 लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे क्या करिएगा, सबसे पहले यहाँ पे इक्वल करिएगा और यहाँ पे लिखिएगा सम, ब्रेकेट ओपन करिएगा और यहाँ पे क्या लिखना था, D9 से क्या लिखना था, I9 और ब्रेकेट क्लोज करके एंटर करिए, D9 था ना, D9 से I9 तो भी रिजल्ट आपको जोड़ करके बता दे, समझ में आ रहा है ना। तो इसके लिए हम जोड़ने का कई सारा फार्मूला आपको बता दिए, अब जो आपको इजी लगेगा उसके हिसाब से आप फार्मूले का प्रयोग कर लीजिए। पर ये ध्यान रहे कि अगर आपने एक स्टूडेंट का निकाल लिया और पूरे 100 स्टूडेंट का भी लिस्ट अगर आपके सामने बना है तो 100 स्टूडेंट का निकालना नहीं, बस ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना, ये पूरा रिस्पॉन्स आपके सामने आ जाएगा, हो जाएगा। अब चलिए, चूंकि हाई स्कूल में पूर्णांक कितने नंबर का होता है, अरे 100 नंबर का होता है ना, 100 नंबर में ही आपका 30 नंबर रहता है, फिर आपको 70 नंबर स्कूल मतलब कि आपका एग्जाम से मिलता है और 30 नंबर आपका विद्यालय से मिलता है। एक्चुअल में वो नंबर होता कितने का, 100 का ही होता। तो यहाँ पे 100 आपको बस टाइप कर लेना है, देखिए मतलब कि 6 को सब्जेक्ट है तो एक सब्जेक्ट अगर 100 नंबर का है तो 6 सब्जेक्ट कितना हो जाएगा, 600 का यहाँ पे पूर्णांक आपको दिखा देना और यहाँ पे सबको बस ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो सब में कॉमनली यानी कि 600 सब में आ जाए। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को। अब चलिए, अब इसके बाद से आपका दिया है मैक्सिमम और इसके बाद से आपका दिया है मिनिमम। अगर कोई आपसे ये पूछे कि राजन का मैक्सिमम नंबर क्या है, मैक्सिमम नंबर क्या है, इसको निकालने के लिए सबसे पहले इक्वल करिएगा और यहाँ पे लिखिएगा मैक्स और ब्रैकेट ओपन करिएगा। अब इस राजन के पूरे नंबरों को सिलेक्शन करिएगा, अब जैसे ही आप इंटर करेंगे तो इसमें से मैक्सिमम नंबर छांट के बता देगा, देखिए सही है। अगर बाद में आप चेंज भी करेंगे तो ये भी डेटा आपका चेंज होता है, देखिए अगर बाद में आप नंबर को घटाएंगे बढ़ाएंगे तो ये OBT वाला भी चेंज होगा और प्लस मैक्सिमम मिनिमम वाला भी चेंज होगा। आप देखिए जैसे कि यहाँ पे 47 लिया गया और मैंने यहाँ पे 70 दे दिया, अब मैक्सिमम में क्या जाएगा, तो OBT में भी तो चेंज होगा, देखिए अब चलिए ऐसे ही आपको मिनिमम नंबर भी ज्ञात करना है, इक्वल करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे मिन और ब्रैकेट ओपन करेंगे, इस नंबरों को हम सिलेक्शन कर लेंगे और ब्रैकेट क्लोज करके इंटर करेंगे तो मिनिमम नंबर छांट के बता दो,
सही है, आप इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो मिनिमम नंबर आपके सामने आ जाएगा, निकल करके हो जाएगा। चूंकि ये नंबर क्यों निकालना पड़ा है, तो चूंकि हम हाई स्कूल का मार्कशीट बना रहे हैं, इंटरमीडिएट में क्या होता है वैसे मेंशन किया गया होता है कि 500 में आपने क्या नंबर पाया, उसमें पांच ही सब्जेक्ट रहता है, लेकिन हाई स्कूल में 6 सब्जेक्ट रहता है। अब चलिए परसेंटेज कैसे निकालेंगे, बोलिए परसेंटेज किसके आधार पे निकलता है, ओबीटी मार्क के आधार पे, यानी कि पूछने वाला व्यक्ति आपसे ये पूछ सकता है कि आपने टोटल क्या नंबर पाया है, या आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आपका परसेंटेज क्या रहा। तो देखिए परसेंटेज निकालने का बहुत ही सिंपल तरीका है, यहाँ पे जितना आपने नंबर पाया है उससे जितना सब्जेक्ट है उससे क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। कै गो सब्जेक्ट है, 6 सब्जेक्ट है, तो परसेंटेज अगर आपको निकालना है तो सबसे पहले आप इक्वल करिएगा, और यहाँ पे ओबीटी मार्क को आपको सिलेक्शन करना है और डिवाइड कर देना है जितना सब्जेक्ट है, कै गो सब्जेक्ट है, बस 6 से डिवाइड करके एंटर कर दीजिए, रिजल्ट आ जाएगा। इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, समझ में आ रहा है, लेकिन इसमें लैब में जाएंगे तो एक प्रॉब्लम आएगी आपके सामने, क्योंकि ये दशमलव के बाद नंबर की संख्या यहाँ से बढ़ता हुआ आपको दिखाई देगा, देखिए यहाँ से बढ़ता हुआ दिखाई देगा आपको, फिर दशमलव के आगे कोई भी नंबर उसकी इतना मान्य नहीं होती। अगर नंबर आपको हटाना है दशमलव के बाद वाला, वैसे दशमलव के मात्र 2 अंक तक ही नंबर लिया जाता है, इस नंबर को अगर आपको डिक्रीज करना है तो यहाँ पे एक आसन आपको मिलेगा डिक्रीज डेसिमल करके, यहाँ से आप इसको मतलब यहाँ से डिक्रीज कर सकते हैं। नियम तो यही है कि दशमलव के 2 अंक तक रखा जाता है, बाकी सबको हटा दिया जाता है। तो ये आपका परसेंटेज निकल गया, पहले बताइए यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, समझने में कोई दिक्कत, बाकी फार्मूला भी हम सब लिखवा देंगे, अभी फार्मूला हम सब लिखवा देंगे, छाप लीजिएगा, बस केवल पहले समझ लीजिए। अब यहाँ पे सबसे पहला आपका ऑप्शन दिया हुआ है काउंट, तो काउंट के बारे में हम बात करें तो काउंट का मतलब होता है गिनना, काउंट का मतलब क्या होता है गिनना, लेकिन अगर हम ये कहें कि वह कौन कौन से ऐसे स्टूडेंट हैं जिसका नंबर 33 से कम है, तो क्या ऐसा स्टूडेंट कोई मिलेगा आपको, क्योंकि मैंने क्राइटेरिया दिया था 34 to 70, यानी कि मिनिमम 34 होना चाहिए और मैक्सिमम 70 होना चाहिए, उन्हीं के बीच का नंबर आपको मिल जाएगा। तो आप बताइए अगर हम इस काउंट का फार्मूला लगाएंगे और वो भी हम दिखाएंगे ग्रेटर देन सॉरी लेस देन 33, तो क्या यहाँ पे नंबर कुछ दिखाई देगा, क्योंकि किसी भी स्टूडेंट का नंबर 33 से कम नहीं है, अगर 33 से कम रहेगा तो जितना सब्जेक्ट में नंबर कम रहेगा उतना आपको काउंट में बता देगा, अगर एक सब्जेक्ट में 33 से कम नंबर है तो 1 बताएगा, 2 सब्जेक्ट में 33 से कम नंबर है तो 2 बताएगा, 3 सब्जेक्ट में 33 से कम नंबर है तो 3 बताएगा, मतलब जितना सब्जेक्ट में नंबर कम होगा उतना ऑटोमेटिक आपको काउंट में बता देगा। तो देखिए इसके लिए क्या करते हैं हम, सबसे पहले किसी किसी में नंबर हम 33 से कम कर देते हैं, जैसे कि इन्होंने पाया है 38 नंबर और इसको हम दे देते हैं 22, 33 से कम हो गया ना, तो रिजल्ट में क्या आएगा, काउंट में क्या आएगा, 1 आएगा, अगर एक सब्जेक्ट में 33 से कम नंबर है तो 1 आएगा, अगर 2 सब्जेक्ट में 33 से कम नंबर है तो 2 आएगा, 3 सब्जेक्ट में तो 3 आएगा। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, मैंने यहाँ पे 20 दे दिया, ऐसे नंबर पहले आप चेंज कर लीजिएगा तभी आपको समझ में आएगा। अब चलिए इसके मतलब इसी के आधार पे आपको फार्मूला लगाना, तो फर्स्ट में क्या रिजल्ट आएगा बताइए, तो 1 आएगा क्योंकि ये कई सब्जेक्ट में 33 से कम नंबर है। तो इसके लिए जो फार्मूला है काउंट का, देखिए इसमें आपको काउंट करना है लेकिन कंडीशन के हिसाब से, काउंट का मतलब होता है गिनना, काउंट का मतलब क्या होता है गिनना, लेकिन कैसे गिनेगा तो क्राइटेरिया के हिसाब से गिनेगा, मतलब कि वही नंबर काउंट करके बताए जो 33 से कम, 33 से क्या है कम है, तो अगर 33 भी रहेगा तो भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसको 33 से कम वाला ही नंबर चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखिएगा, देखिए यहाँ पे इसकी जो फार्मूला होगा सबसे पहले इक्वल करिएगा और यहाँ पे आपको टाइप करना होगा काउंट इफ, इसमें काउंट इफ लिखने के बाद ब्रैकेट ओपन करिएगा और यहाँ पे पूरे नंबरों को सिलेक्शन कर लेना है, यहां से लेकर के यहां तक जहां तक आपने सब्जेक्ट लिखा हुआ है, और ब्रैकेट क्लोज करके क्या करेंगे इंटर करेंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा, देखिए सॉरी
इसमें लेस देन का भी सिंबल लगाना था ना, यहाँ पे नीचे कॉमा करेंगे, इसके बाद से डॉटेड कॉमा। अभी तो मैंने केवल नंबर सिलेक्शन किया था ना, अब आपको क्राइटेरिया देना है, तो एक चीज क्लियर करिएगा, क्राइटेरिया हमेशा डॉटेड कॉमा में रखा जाता है। तो यहाँ पे जो मैंने अभी D9 से लेकर के I9 लिखा हुआ है, वो हमारा क्या डेटा दिखा हुआ, वो सारे सब्जेक्टों का नंबर को मैंने सिलेक्शन किया हुआ। यहाँ पे सबसे पहले इक्वल करिएगा, काउंट इफ लिखिएगा, ब्रेकेट ओपन करिएगा और नीचे कॉमा करना, और क्राइटेरिया को हमेशा डॉटेड कॉमा में रखा जाता है। तो यहाँ पे कम से कम के लिए क्या लगाएंगे, लेस देन लगाएंगे, और यहाँ पे लिखेंगे 33, मतलब कि वही नंबर काउंट करके दिखाए जो 33 से क्या हो, कम हो। आप डॉटेड कॉमा क्लोज करिए और ब्रेकेट को क्लोज करके आप इंटर करेंगे तो रिस्पॉन्स आते। नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, एक बार और समझिए। देखिए कैसे निकालेंगे, सबसे पहले यहाँ पे इक्वल लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे काउंट इफ और ब्रेकेट यहाँ से ओपन करेंगे। अब इसमें सबसे पहले रेंज पूछा जा रहा है ना, इसमें क्या दे रहा है, हिंट में रेंज दे रहा है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरे रेंज को हम सिलेक्शन करेंगे और पुनः नीचे कॉमा करेंगे। अब इसके बाद से यहाँ से डॉटेड कॉमा ओपन करेंगे और यहाँ से लेस देन का सिंबल लगा के क्या लिखेंगे, 33। अब डॉटेड कॉमा क्लोज और ब्रेकेट क्लोज करके इंटर करेंगे। हाँ एक चीज क्लियर करिएगा, कभी भी एक्सेल में अगर एक एक कॉमा भी छूट जाएगा तो रिजल्ट आपका नहीं है, अगर एक ब्रेकेट भी छूट जाएगा तो रिजल्ट आपका नहीं है, इसलिए बड़ी सावधानी से प्रैक्टिकल आप इसका करिए। अब इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो अगर एक मैंने निकाल लिया, इसके आधार पे पूरा रिजल्ट आपके आसानी तरीके से आ जाएगा। अब इसमें देखिए दो क्यों आया, इसमें दो क्यों आया, क्योंकि दो ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 33 से कम नंबर है। अगर तीन सब्जेक्ट रहता तो तीन आता, अगर चार रहता तो चार आता, मतलब जितने सब्जेक्ट में 33 से कम नंबर होगा उतना काउंट करके बताएगा कि मतलब कितने सब्जेक्ट में आपका 33 से कम नंबर है। अब हम यहाँ पे जो 60 लिखा हुआ है इसको हटा करके यहाँ पे 23 भर देते हैं, तो ये नंबर चेंज होगा कि नहीं होगा, देखिए यहाँ पर भी नंबर में 2 आ जाएगा आपका, देखिए हो जाएगा। अब चलिए लास्ट ऑप्शन बता दे रहे हैं, स्टेटस निकालने का फार्मूला। स्टेटस में क्या आता है, तो जैसे कि मान के चलिए स्टेटस में ये होता है कि कौन सा स्टूडेंट पास है या कौन सा स्टूडेंट फेल हुआ, ये हम स्टेटस ज्ञात करते हैं। तो जब भी आपको स्टेटस निकालना हो तो स्टेटस हम निकालते हैं काउंट के बेस पे, किसके बेस पे, काउंट के बेस पे निकालते हैं। कैसे निकालेंगे तो समझिए, सबसे पहले यहाँ पे इक्वल करेंगे और यहाँ पे इफ लिखेंगे, ब्रेकेट ओपन करेंगे। इफ का मतलब क्या होता है, यदि, इफ का मतलब यदि, यदि किसी स्टूडेंट का काउंट में नंबर और इक्वल टू बराबर हो किसके, यानी कि कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसका 33 से कम नंबर एक भी सब्जेक्ट में नहीं है, तो उसका काउंट में नंबर 0 आएगा ना, तो उसको हम देना चाहते हैं पास। क्या देना चाहते हैं, पास, उसको हम पास देना चाहते हैं। और फिर डॉटेड कॉमा क्लोज करिए और नीचे कॉमा करके फिर इफ लिखिएगा, ब्रेकेट ओपन करिएगा। यदि किसी स्टूडेंट का काउंट में नंबर, रुकिए थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं, इसमें स्पेस नहीं है। अब देखिए सबसे पहले इक्वल करेंगे और यहां पे लिखेंगे इफ, ब्रेकेट ओपन करेंगे, यदि किसी स्टूडेंट का काउंट में नंबर कितना है, 0, तो उसको हम देना चाहते हैं पास। अभी मैंने बताया है कि क्राइटेरिया को हमेशा डॉटेड कॉमा में रखा जाता है, तो ये पास एक प्रकार की क्राइटेरिया दिया जा रहा है, इसलिए पास को डॉटेड कॉमा में ही रखेंगे और पुनः डॉटेड कॉमा क्लोज करिएगा। अभी मैंने पहला कंडीशन दिया, वो भी किसके लिए, 0 के लिए, अगर 0 है काउंट में तो उसको पास दे दिया जाए, नीचे कॉमा और फिर यहाँ पे इफ लिखते हैं और ब्रेकेट ओपन करते हैं, यदि स्टूडेंट का नंबर, पुनः इसी काउंट को दोबारा से सिलेक्शन करेंगे और यदि काउंट में नंबर किसके बराबर हो, 1 के बराबर हो, तो उसको हम देना चाहते हैं SP, और SP का मतलब होता है सुपरिटेंडेंट ऑफ मार्क। जैसे कि आपने देखा होगा कि अगर कोई एक मतलब कि सिंगल सब्जेक्ट में अगर कोई फेल रहता है उसको भी पास, उसके रिजल्ट पे पास लेकर के आता है,
एक प्रकार की कैटेगरी होती है आपकी एसपी की कैटेगरी, वो कंडीशन तब दिया जाता है जब किसी एक सिंगल सब्जेक्ट में क्या होता है फेल होता है, और इसके बाद से नीचे कमा करेंगे और बाकी जीरो और वन को छोड़ करके शेष कोई भी नंबर अगर मिलता है तो उस कंडीशन में स्टूडेंट को क्या कर दिया जाए, फेल कर दिया जाए। मतलब अगर काउंट में नंबर जीरो होगा तो पास हो जाएगा, अगर काउंट में नंबर एक होगा तो एसपी मिल जाएगा, बाकी दो तीन चार पांच जो भी होगा उस कंडीशन में क्या लेकर के आएगा, फेल लेकर के आएगा। आप यहाँ पे डॉटेड कामा क्लोज करिए और ब्रैकेट क्लोज करके आप इंटर करिए। अब एक चीज इसमें क्लियर करिएगा, ब्रैकेट यहाँ से ओपन करना है और ब्रैकेट को यहाँ से जितने बार आपने ओपन किया उतने बार क्लोज भी करना होता है। अभी केवल रेड से रेड मैच कर रहा है, क्या ब्लैक से ब्लैक मैच कर रहा है, तो इसमें दो ब्रैकेट आपने ओपन किया ध्यान दीजिए, तो एक ब्रैकेट और यहाँ पे आपको लगाना होता है। आप देखिए फार्मूला सही है, आप इंटर करिए आप यहाँ से। फेल क्यों आया, क्योंकि काउंट में नंबर कितना है, दो है, और एक में क्या लेके आएगा, एक में पास लेके आएगा। पास बस केवल इसको किया गया क्योंकि इसका काउंट में नंबर क्या है, जीरो, और ये काजल नाम की है, देखिए इनको पास किया गया। किसको किसको समझ में नहीं आया, एक बार और बता दें, एक बार और समझ लीजिए कैसे निकालना था। देखिए बस आप इतना समझिए, अगर काउंट में नंबर जीरो होगा तो पास आएगा, अगर काउंट में नंबर एक होगा तो एसपी आएगा, अगर जीरो और वन को छोड़ करके जितना भी होगा, दो होगा, तीन होगा, चार होगा, पांच होगा, उस केस में इसको क्या कर दिया जाएगा, फेल कर दिया जाएगा। ये होता है स्टूडेंट का स्टेटस। अरे स्टेटस मार्कशीट में लिखकर के आता है कि पास है कि फेल है, इससे लिखकर के आता है। डिवीजन तो अभी अलग है, डिवीजन के बारे में बताएंगे बताएंगे, पहले केवल स्टेटस। एक बार और समझिए कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इक्वल करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे इफ, ब्रेकेट ओपन करेंगे, इसमें सबसे पहले काउंट को सिलेक्शन करेंगे, यदि काउंट बराबर हो किसके, जीरो के, तो उसको हम देना चाहते हैं पास, और डमेटेड कामा क्लोज, नीचे कॉमा, यदि काउंट बराबर हो किसके, एक के, तो उसको हम देना चाहते हैं क्या, एसपी, और नीचे कॉमा, अब यहाँ पे अगर इन दोनों को छोड़ करके शेष कोई नंबर आता है उसको हम देना चाहते हैं फेल। अब एक चीज क्लियर करिएगा, हम चाहेंगे तो दो के लिए भी कंडीशन दे सकते थे, चाहेंगे तो तीन के लिए भी कंडीशन दे सकते थे, लेकिन जब दो कंडीशन आप अप्लाई करते हैं तो एक्सेल तीसरा कंडीशन ऑटोमेटिक समझ लेता है। मतलब मैंने इसमें क्या समझाने का प्रयास किया, अगर जीरो मिलेगा तो पास मिल जाएगा, अगर एक मिलेगा तो एसपी मिल जाएगा, बाकी शेष कोई भी नंबर मिलेगा तो क्या करेगा, फेल कर देगा। यानी कि तीन क्राइटेरिया अगर आपको देना है तो दो बार इसका प्रयोग मैंने किया, इसमें क्राइटेरिया तीन दिया जा रहा है, एक आपका पास के लिए, एक आपका एसपी के लिए और एक आपका फेल के लिए, लेकिन इफ मैंने कितने बार लिखा है, दो बार लिखा, और जितने बार ब्रैकेट ओपन करिएगा उतना ही बार आपको ब्रैकेट क्लोज भी करना है, और ब्लैक से तो ब्लैक आपका मैच होना चाहिए। आप इंटर करेंगे तब जाकर के यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा, आप इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप कर लीजिए। आप समझ में आया, आप किसी को दिक्कत ही ना है, तो इतना फार्मूला लिख लीजिए, शेष हम लोग अगली क्लास में डिवीजन, ग्रेड और रिवार्ड के बारे में सीखा जाएगा, क्योंकि आज ही पूरा सीख लेंगे तो आपके लिए दिक्कत होगी, लाइफ नहीं कर पाएंगे। समझ में आ रहा है ना, तो थोड़ा थोड़ा आप सीखिए, इतना फार्मूला आप लिख लीजिए पहले क्या।